हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। तो भाई साहब, अभी मैं हूँ हनोई के सिटी सेंटर में और नाइट लाइफ एक्चुअली एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। ऐसी जगह पे हूँ जो जनरली मींस जो जितने भी ट्रैवल एजेंट है, ट्रैवल एजेंट कोई भी इस लोकल स्ट्रीट को एडवर्टाइज नहीं करता है और ना ही मोस्टली लोगों को इस स्ट्रीट के बारे में पता है। तो जिस एरिया में मैं अभी जा रहा हूँ, जिस मार्केट में, जिस स्ट्रीट पर मैं अभी जा रहा हूँ, ये है हनोई का बियर स्ट्रीट। स्पेशली बियर्स के लिए ये जो स्ट्रीट है बहुत फेमस है। मोस्टली लोगों को इस स्ट्रीट के बारे में नहीं पता, स्पेशली जो विजिटर्स या फिर बाहर के नेशनल्स के लोग यहाँ पे आते हैं। देखते हैं और चलते हैं, क्या यूनिक एक्सपीरियंस हमें मिलता है और क्या वाइब उस स्ट्रीट से हमें मिलती है। तो चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर करते हैं हनोई का एक यूनिक बियर स्ट्रीट। सब मैं अभी आया हूँ बियर स्ट्रीट में हनोई के, और भाई एक अलग ही वाइब है। आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा कि मैं होचीमिन के एक व्यू विन स्ट्रीट पे था। हाँ, व्यू विन स्ट्रीट से अगर कंपेयर करते हो तो ये थोड़ा छोटा है और शाउट लाउडनेस थोड़ा यहाँ पे कम है, बट हाँ ये जो स्ट्रीट है ये थोड़ा यूनिक है में, क्योंकि यहाँ पर जो बियर्स आपको मिलेगी जितने अलग अलग वेराइटीज़ की मिलेगी, ऐसी कोई प्लेस नहीं है पूरे वियतनाम में जो आपको एक प्लेस पे इतने अलग अलग टाइप की बियर मिलेगी। और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जितने भी बियर आपको यहाँ पे मिलेगी वो सब कम रेट में मिलेगी, कम रेट में मिलेगी। एक्चुअली यहाँ पे म्यूज़िक काफ़ी चल रहा है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूँगा वैसे वैसे म्यूज़िक और बढ़ते जाएगा। और सबसे यूनिक चीज़ वियतनाम की, आप किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी बार में आप जाते हो तो इस तरीके की छोटी चेयर आपको मिलेगी, जो कि इसकी हाइट आप देख सकते हो कि बहुत छोटी हाइट है यहाँ की। और इसी हाइट पे मीन्स कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट, कितने भी बड़ा होटल क्यों ना हो, यार यहाँ पे इसी तरीके की चेयर्स आपको यहाँ पे मिलेगी इस हाइट की, और यहीं पे बैठ के सब लोग अपना एंजॉय करते हैं। अभी समय हुआ है 11:30, रात के 11:30, बट अभी भी आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि यहाँ पे इतना रश होगा इतने समय में, इतने लेट नाइट में। और जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतते जाएगा वैसे वैसे यहाँ रश जो है काफ़ी बढ़ता जाएगा। बियर्स आपको मिल जाएगी और 7 से 10 मैक्सिमम 15 वियतनामीज डोंग में आपको यहाँ पे बियर मिलेगी। One get one free.
वन गेट वन 30,000. How much the bio? Bio. Oh my god, it's very cheap, no? It's expensive. काफी शाउट है और म्यूजिक भाई, और बड़ा ही हैपनिंग प्लेस है ये. और दिक्कत ये है कि मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं उनको ये स्ट्रीट के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि मोस्टली जो ट्रैवल एजेंट है वो इस लोकल स्ट्रीट के बारे में ज़्यादा बताते भी नहीं हैं और इसको प्रमोट भी नहीं करते हैं, ताकि ये कहीं ना कहीं एक लोकलनेस इस स्ट्रीट का बना रहे. बट जब अच्छी चीज़ या फिर कुछ हैपनिंग प्लेस आपको मिले तो ज़्यादा दिन चुपती नहीं है, तो यही इसके साथ हुआ. तो आप देख सकते हो कि काफ़ी भीड़. हेलो हेलो, व्हाट बियर हाउ मच? बार स्ट्रीट का अभी समय फ़िलहाल जो है अभी हुआ है रात के 2, और कंडीशन जो है वो कुछ इस तरीके की होती है. और काफ़ी लोग अभी भी है, कई किसी कोने में पड़े हैं, कई कहाँ पे पड़े हैं. मैं आपको इस बार स्ट्रीट का एड्रेस जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. अगर इनकेस आप कभी प्लान करते हो यहाँ पे आने का, हमें विजिट करने का, तो आप यहाँ पे बिल्कुल चेकआउट कर सकते हो. अलग से एक्सपीरियंस यहाँ पे आप ले सकते हो, और स्पेशली नाइट लाइफ लवर्स जो है, जो पार्टीज़ या फिर क्लबिंग पसंद करते हैं, उनके लिए तो भाई ये बहुत बेहतरीन प्लेस है, बेहतरीन प्लेस. आज वीक डेज है, वर्किंग डे है, फिर भी आप ऐसे मीन्स फील आ रहा है कि आप किसी हॉलीडेज़ में या फिर किसी वीकेंड्स में आप यहाँ पे आए. और काफ़ी नॉइज़ है, काफ़ी नॉइजी हो रहा है ये इन्वायरमेंट. तो ठीक है, मैं आपको कहता हूँ यहीं से बाय एंड टेक.